तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट, तो यहां से हमें बस ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जानना है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है किसी भी शेप का हो, उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जरूर प्रोड्यूस होगा, बशर्ते वो जो करंट है वो डीसी होना चाहिए, डायरेक्ट करंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इनडायरेक्ट करंट होता है वो बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही होगी वो स्टेबल नहीं होगी, बार बार चेंज होगी, है ना। तो हम लोग इसीलिए किसकी बात करते हैं, डीसी करंट की बात करते हैं, कि जब भी हम किसी कंडक्टर में, कोई भी कंडक्टर हो, जैसे हम लोग दो शेप पढ़ना है हम लोगों को, एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट पढ़ना है, लॉन्ग स्ट्रेट का मतलब कि ये लेंथ काफी ज्यादा है, ठीक है, और एक सर्कुलर पढ़ना है, ठीक है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट करंट है, ठीक है, या कंडक्टर है। अब इसमें करंट हमें सेटअप करना है, करंट सपोज हमने कह दिया कि ऊपर की तरफ फ्लो हमें करवाना है, लेकिन सोर्स भी तो होना चाहिए, इसका मतलब करंट का सोर्स क्या हो जाएगा, एक बैटरी होगा, लेकिन हमें वो सारी स्टडी करनी है जिससे क्या हो रहा हो, जिससे हम ये करंट वेरी करके स्टडी कर पाए मैग्नेटिक फील्ड की। इसका मतलब आपको क्या चाहिए, एक रियोस्टेट चाहिए, है ना, ये रियोस्टेट हो गया, और रियोस्टेट के किसी पॉइंट पे ये टच करेगा, ठीक है, तो ये रियोस्टेट हो गया RH, और रियोस्टेट को हम लोग लगाएंगे कहां पे, बैटरी से, ठीक है, और करंट किधर देना है, ऊपर तरफ जाना चाहिए, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इधर होना चाहिए, फिर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये बैटरी हो गई, ग्रुप ऑफ द सेल, ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और फिर पॉजिटिव करेंगे और एक और निगेटिव कर दिया, ठीक है, तो ये आपकी बैटरी हो गई, जो प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब वो करंट कितना जा रहा है इसको मॉनिटर भी करना है कि करंट गया कितना, तो हम लोग उसके लिए एक सीरीज में क्या प्लेस कर देंगे, एक अमीटर प्लेस कर देंगे, अमीटर हमें रीड करके बताएगा कि उस समय करंट कितना फ्लो कर रहा है, अमीटर हमेशा सीरीज में प्लेस किया जाएगा, अमीटर को हम लोगों ने सीरीज में प्लेस कर दिया। अब करंट चूंकि इस तरह से जा रहा है, तो जहां से करंट इंटर कर रहा है उस वाले टर्मिनल को, अमीटर वाले टर्मिनल को हम प्लस कह देंगे, और जहां से लीव कर रहा है उसे हम क्या कह देंगे, माइनस कह देंगे। अब सर्किट को क्या करना है, कंप्लीट कर देना है, लेकिन विथ वन की, क्योंकि की नहीं रहेगा तो हम जब चाहेंगे, एक सेल हमेशा यूज होता रहेगा हमारा, तो की हम यूज कर लेंगे ताकि हम उसे क्लोज और ओपन कर सके, तो एक की हो गया, ठीक है। अब ये सर्किट कंप्लीट हो गई, तो ये सर्किट सेटअप करने के लिए भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे लेबल डायग्राम पूछा जा सकता है, तो हम लोग लेबल डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया बैटरी, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये रियोस्टेट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, की हो गया, और ये क्या हो गया आपका, अमीटर हो गया, और ये जो है कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड या पेपर, ठीक है, हाँ उसके अंदर जा रहा है परपेंडिकुलर, पेपर जैसे है, हाँ परपेंडिकुलर, ठीक, हाँ अब अरे ऐसे मतलब उस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस वो दिखाना है, ठीक है, दो पेन दो, इस तरह से, है ना, तो ये क्या हो गया आपका, पेपर के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न हम ड्रॉ करेंगे इस पेपर पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मतलब जो ये पेपर है ये क्या है, परपेंडिकुलर है इस वायर के, ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हमारा लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, कैरिंग कंडक्टर,
ठीक, और ये सब वायर्स हो गए, तो दीज आर द कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स हो गए, ठीक है। तो ये आपका सर्किट डायग्राम सेटअप हो गया स्टडी करने के लिए कि लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहली बात, जो मैग्नेटिक फील्ड का नेचर होता है वो सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है। इसका मतलब, और उसका सेंटर इस वायर पे होगा, तो इस कार्डबोर्ड पे हम ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कुलर हो गया और सेंटर वायर पे हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम सारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल होंगे, सबका सेंटर तो सेम होगा लेकिन रेडियस क्या होगा? डिफरेंट हो, ठीक है, अलग अलग रेडियस होगा। तो ये हो गया आपका नेचर। अब इसमें एक चीज और प्लेस करनी होती है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड रूल लगाते हैं। राइट हैंड रूल का मतलब, अपने राइट हैंड को इस्तेमाल करेंगे, अपने राइट हैंड को इस्तेमाल करेंगे और करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, ऐसे भी रख सकते थे आप, ऐसे भी रख सकते थे, लेकिन जिधर फ्लो कर रहा है करंट ऐसे रखेंगे, और फिंगर जिधर कर्ल कर रही है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इसका मतलब, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कि हम एरो पुट ऑन करेंगे वो ये डायरेक्शन करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब क्या फिक्स हो गया? नेचर फिक्स हो गया, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होंगे। और डायरेक्शन भी हम लोग किस रूल को यूज करके बताते हैं? राइट हैंड, है ना, राइट हैंड रूल कहेंगे, राइट हैंड रूल। ये भी पूछा जाएगा, वन मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर या सर्कुलर करेंट कैरिंग कंडक्टर। हेडिंग डालो, नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स The magnetic field lines form concentric circles around the wire with their plane perpendicular to the स्ट्रेट वायर टू द स्ट्रेट वायर एंड विथ दियर सेंटर्स लाइज ऑन द वायर। अब दो इंपॉर्टेंट बात, जो डेंसिटी अराउंड द वायर होगी, नियर द वायर, लाइन की जो डेंसिटी होगी नियर द वायर वो ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या होती है? अराउंड द वायर ज्यादा होती है। जैसे जैसे वायर से हम दूर जाएंगे स्ट्रेंथ क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। इसका मतलब अगर हम पिक्चरली दिखा रहे हैं तो हम लाइन को रेयरर दिखाएंगे, फार दिखाएंगे, लाइंस क्या है? रेयरर हैं। और जितना हम वायर के क्लोज होंगे हम लाइन को क्या दिखाएंगे? डेंसर दिखाएंगे, ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड है। ये बात समझ में है ना? तब लिख लीजिए, फील्ड लाइंस, हाँ नीचे, फील्ड लाइंस
आर क्लोज्ड नियर द वायर व्हाइल far from each other when we go away from the wire, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की नियर द वायर ज्यादा होगी और जब अवे फ्रॉम द वायर जाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी कम होगी, लेकिन नेचर में कोई फर्क नहीं आएगा, नेचर हमेशा क्या रहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो सर्किट डायग्राम हो गया, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट लॉन्ग करंट या स्ट्रेट करंट बोल दो, तब तो सर्किट डायग्राम बना के दे देंगे, लेकिन सिर्फ नेचर पूछे मैग्नेटिक फील्ड का नेचर ड्रॉ करने के लिए पूछे तो सिर्फ हम इतना ड्रॉ करेंगे, अगर पूरा भी ड्रॉ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें ये होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि ये डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे, कौन सा रूल आपको सपोर्ट करेगा हेल्प करेगा टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हेडिंग डालिए राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। इट स्टेट्स दैट इफ वी होल्ड द करेंट कैरिंग कंडक्टर इन राइट हैंड such that the thumb points in the direction of current then the fingers current then the fingers in circle the wire in the direction of in the direction of the magnetic field lines ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? ये यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अगर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का देखा जाए तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और यहां पे देखा जाए तो यहां इधर ड्रॉ हो जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहां पे डायरेक्शन उस साइड में है इधर डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन क्या हो गया चेंज हो गया। और अभी अभी हमने बताया कि अगर वायर से दूर जाएं तो लाइंस रेयरर होती चली जाएंगी, तो ये इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म है विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन एज वेल एज विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नीट्यूड, दोनों ही चीज क्या कर रही है वेरी कर रही है। तो ये लाइन लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय
अलग से है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट करेंट इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। Because magnitude as well as direction both changes अब क्या लिखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड, due to straight current factors हैं, क्या क्या factor affect करेंगे उस magnetic field को। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग, उसके अंदर है सारे पॉइंट्स है ना। हो गया। अब देखिए पहली चीज, देखिए एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे लिए टॉर्च बीयरर काम करता है, ये फॉर्मूला टॉर्च बीयरर काम करेगा, लेकिन वो हम लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है। म्यू नॉट बाई टू पाई आई बाई डी होता है, ठीक है। तो हम पहला फैक्टर लिखेंगे, साफ साफ दिख रहा है, पहला फैक्टर क्या हो गया, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप आई को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। जब भी इस स्लाइडर को हम आगे पीछे करेंगे तो करंट क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो करंट को जब भी हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी किसी पॉइंट पे, अगर हम इसी पॉइंट पे मॉनिटर कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने घटने लगेगी बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ या चेंजिंग द वैल्यू ऑफ आई। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, मतलब आई बढ़ाएंगे तो बी बढ़ेगा, ये बात समझ में आया ना। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड बी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस है ना, लिनियरली विथ करंट आई, मतलब स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है, आई के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। तो अगर ग्राफ खींचेंगे
तो बी वर्सेस आई जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द क्या होगा ओरिजिन, जैसे ओम्स लॉ था, बी प्रोपोर्शनल टू आई। तो अगर कोई हमें ग्राफ पूछता है तो ग्राफ भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं आई वर्सेस बी, तो आई हो गया इधर और वाई एक्सिस पे हमने दिखा दिया बी। अब जब ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द क्या हो जाएगा ओरिजिन हो जाएगा बी वर्सेस आई। अब देखिए सेकेंड फैक्टर, तो सेकेंड फैक्टर साफ साफ दिख रहा है कि बी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, ठीक है। इसका मतलब सेकेंड फैक्टर हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, तो क्या लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर, है ना, स्ट्रेट कंडक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर से अगर हम दो पॉइंट लें, एक पॉइंट सपोज यहां पे हम पी ले लेते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं क्यू, तो क्यू यहां से ज्यादा डिस्टेंस पे है और पी हमारा क्या है कम डिस्टेंस पे है। इसका मतलब पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड है डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मतलब पी पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, और क्यू पे स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो हम यहां पे कहेंगे कि जो बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, वेयर डी इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। दैट मींस व्हेनेवर डी इंक्रीजेस बी क्या हो जाएगा डिक्रीज करेगा, तो दैट इज द सेकेंड फैक्टर। एंड देयर इज ओनली टू फैक्टर व्हिच अफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, एंड थर्ड डायरेक्शन भी हो सकता है, अगर आप करंट की डायरेक्शन क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं, मतलब करंट ऊपर के बजाय अगर नीचे जाए तब डायरेक्शन अफेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए अगर इस वेरिएशन को अगर हम प्लॉट करना चाहें ग्राफ पे, ये बोर्ड से लेना देना नहीं है इसका, है ना, जो ग्राफ हम बना रहे हैं बिल्कुल बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा आपका बी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, किस पे डिपेंड कर रहा है डी पे डिपेंड कर रहा है कि डी आप कैसे बढ़ा घटा रहे हो, तो ये एसिम्प्टोटिक बिहेवियर कहा जाता है, ये दोनों ही एक्सिस को टच करने की कोशिश करता है लेकिन टच नहीं करता है। तो आप देख रहे हो कि D जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, D हमने बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया घट गया, ठीक है। तो ये वेरिएशन प्लॉट करेंगे आप, अगर आपको कहीं कॉम्पिटिशन पूछा जाता है तो, बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा ये। तो देखिए हम लोग यहां पे देखेंगे सेकेंड पार्ट इसका है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप कह सकते हैं, है ना, या सर्कुलर करंट कहिए, बात बराबर है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कार्डबोर्ड चाहिए हमें जिसपे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है, कार्डबोर्ड या पेपर आप कह सकते हो। तो ये आपका कार्डबोर्ड हो गया, इस पे जो होगा आपका सर्कुलर लूप हो जाएगा, आधा जो सेमी सर्कल होगा
वो ऊपर होगा और हाफ क्या होगा आपका नीचे होगा। इसका मतलब जो इस सर्कुलर पार्ट का सेंटर होगा वो कार्डबोर्ड पे लाई करेगा और हाफ सर्किल ऊपर चला गया और बाकी सर्किल नीचे चला गया। और ये क्या होंगे, एक हम आर्म से करंट भेजेंगे, ठीक है, एक से आप करंट भेजोगे। सपोज करंट यहां से इंटर कर रहा है, अगर करंट यहां से इंटर कर रहा है तो फिर वही आपको सबसे पहला पार्ट पूछा जाता है, सर्किट डायग्राम पूछा जा सकता है कि आप स्टडी करने के लिए सर्कुलर करंट की मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करने के लिए क्या ड्रॉ करिए, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करिए। तो पहले हम लोग पार्ट डाल लेंगे सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम के लिए करंट हमें चाहिए, इसमें करंट अगर इसमें हमें सेंड करना है तो सोर्स चाहिए हमें, ठीक है, या करंट ऐसे दिखा देते हैं, सोर्स चाहिए करंट का सोर्स। तो ईएमएफ का सोर्स लगाने के लिए आपको बैटरी चाहिए, ठीक है, लेकिन बैटरी कितना करंट सेंड कर रही है उसके लिए आपको क्या चाहिए, अमीटर चाहिए, ताकि आप मॉनिटर कर पाओ करंट कितना जा रहा है, ये अमीटर हो गया। और करंट चूंकि इधर से गया है तो जाहिर सी बात है कि अमीटर में करंट इंटर किया होगा यहां से, तो ये एंड प्लस हो जाएगा और जहां से लीव किया होगा वो एंड क्या हो जाएगा माइनस, ये अमीटर हो गया। अब सोर्स की चाहिए ताकि हम जब चाहे करंट सेंड करें बैटरी को यूज करें और जब चाहे बैटरी को यूज ना करें, तो उसके लिए की हम लोग लगा लेते हैं, ये की हो गया। और सोर्स चाहिए मतलब ईएमएफ बैटरी चाहिए, और चूंकि इधर करंट भेजना है तो पॉजिटिव टर्मिनल पहले होना चाहिए, फिर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव हम लोग लगा दिया, ठीक है। अब चूंकि करंट को वेरी करा करा के स्टडी करना है, इसका मतलब हमें रियोस्टेट चाहिए, क्या चाहिए, रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो रियोस्टेट हम लोगों ने लगा दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से सिर्फ जॉकी लेके स्लाइड करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, ये आपका क्या है आर एच है, रियोस्टेट है नीचे वाला, ठीक, और ये आपका क्या हो गया प्लस एंड हो गया, ये माइनस एंड हो गया, बैटरी करंट रिलीज करेगी, ठीक, ये बी बैटरी हो गया, पूरा लेबल कर दीजिए, बैटरी है, लेबल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है, ये बैटरी हो गई, ये क्या हो गया आपका अमीटर हो गया, दीज आर द कनेक्टिंग वायर्स हो गए, कनेक्टिंग वायर्स और अमीटर हो गया, रियोस्टेट हो गया, ठीक है, और ये की हो गया। और ये आपका हो गया सर्कुलर वायर, दैट इज द सर्कुलर लूप कह ले या सर्कुलर वायर वायर कह ले, सर्कुलर करंट लूप, करंट लूप या सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, लूप लिख दे रहे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया स्टडी करने के लिए, सर्किट डायग्राम हो गया, लेबल सर्किट डायग्राम हो गया। और अच्छा एक पेपर भूल गए हम लोग, ये क्या है कार्डबोर्ड या पेपर लिख दीजिए, पेपर। तो लेबल डायग्राम जब भी आपको आएगा तो ये सारी चीजें बनाने के साथ साथ लिखना भी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और ये एक मार्क्स का क्वेश्चन होगा मैक्सिमम। अब अगला सवाल आता है क्या, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब पैटर्न कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखिए, तो सबसे पहले अगर हम इस पार्ट को मैग्निफाई करें, सपोज इस पार्ट को हम बहुत मैग्निफाई कर दे रहे हैं और इसको आप अगर मैग्निफाई करते हो तो जो ये पार्ट होगा ये आपको स्ट्रेट दिखेगा, ये क्या है स्ट्रेट करंट है, स्ट्रेट करंट जो अभी फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पढ़ा था, ये स्ट्रेट दिखेगा, ठीक है, और स्ट्रेट दिखने का मतलब, और करंट इसमें कैसे होगा, करंट ऊपर जा रहा होगा, इसका मतलब कि
मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर बताने के लिए हमें फिर से राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। तो राइट हैंड रूल क्या करेंगे, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, है ना, सच दैट कि जो थंब है किधर की तरफ हो, करंट की डायरेक्शन में हो। तो ये किधर लूप, जो लूप बनने वाले हैं वो इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनने वाले हैं, है ना। तो हम लोगों ने मैग्निफाई करके यहाँ पे देख लिया। तो जो यहाँ पे प्लॉट करना है आपको मैग्नेटिक फील्ड, जाहिर सी बात है शुरू में हम लोग यहाँ पे सर्कल्स दिखाएंगे, क्लोज लूप है इधर भी। अब इधर जब दिखाओगे आप तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन क्या होगा, डिटरमाइन करने के लिए रूल क्या होगा, राइट हैंड रूल होगा, मतलब ठीक है राइट हैंड रूल। एरो क्या होगा आपका, इधर की तरफ होगा, या यूं कह लीजिए काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कह ले, या उसी को काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं, ये डायरेक्शन हो गई। लेकिन क्या ये इधर भी होगी, आंसर है नहीं। अगर इस पार्ट को आप मैग्निफाई करिए, इस पार्ट पोर्शन को मैग्निफाई करिए, इसको अगर हम मैग्निफाई करके दिखाएं तो दैट इज आल्सो करंट कैरिंग कंडक्टर, लेकिन इसमें करंट क्या हो रहा होगा, करंट यहां से नीचे आ रहा होगा, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो यहां पे करंट नीचे हो जाएगा। फिर से आप राइट हैंड रूल लगाएंगे, लेकिन इस समय थंब ऊपर नहीं रखेंगे, थंब क्या रखेंगे, नीचे। इसका मतलब इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड हमें ड्रॉ करनी है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल ड्रॉ करने हैं, लेकिन उसमें एरो कैसे पुट अप करना है, क्लॉकवाइज पुट अप करना है। इसका मतलब यहां पे हमें क्लॉकवाइज पुट अप करना है मैग्नेटिक फील्ड, और सब कार्डबोर्ड पे होनी चाहिए, ध्यान रहे। तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज इस साइड में। अब रही बात सेंटर पे कैसे दिखाएं, तो सेंटर पे जो होता है वो स्ट्रेट दिखाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये क्लोज लूप नहीं फॉर्म करेगी, बिल्कुल क्लोज लूप फॉर्म करेगी, लेकिन ये इंफिनिटी से जाके फिर इंफिनिटी पे मीट करेगी, तो ये भी क्लोज लूप फॉर्म करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। तो इसका भी लूप कंप्लीट हो रहा होगा, लेकिन इधर निगेटिव इंफिनिटी कह सकते हो, उधर पॉजिटिव इंफिनिटी, या एक इंफिनिटी उधर है एक इंफिनिटी इधर है, ठीक है। तो लेकिन यहां पे हम स्ट्रेट दिखाएंगे सेंटर पे। तो दैट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सर्कुलर करेंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसमें सर्किट डायग्राम हो गया, नेचर हो गया, और आगे क्या हो जाएगा आपका, फैक्टर्स, ठीक है, अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड। नोट हो गया, लिखिए रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रूल्स टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर करेंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर करेंट। सर्कुलर करंट, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। तो जब आपसे रूल सिर्फ पूछा जाए, रूल का नाम पूछा जाए, तो सिर्फ राइट हैंड रूल लिख के छोड़ देंगे, और आल्सो स्टेट इट अगर कह दे, इसका मतलब उसको स्टेट भी करना है जो हम पीछे लिखवाए राइट, ठीक। अब नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सर्कुलर करंट, हेडिंग डालो, नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सर्कुलर करंट। सर्कुलर करंट
तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एटलीस्ट चेंज हो रही है, तो एटलीस्ट एक चीज तो दिख रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म है डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, है ना। तो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, क्या लिखेंगे वहां पे आंसर में, नॉन यूनिफॉर्म। अब हैंड डालिए, पोलरिटी ऑफ सर्कुलर करंट, पोलरिटी, पोलरिटी ऑफ सर्कुलर करंट, पोलरिटी ऑफ सर्कुलर करंट। तो देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो बार मैग्नेट होता है उसमें एक पोल नॉर्थ होता है कोई, और दूसरा पोल क्या होता है, साउथ होता है, इसीलिए इसे डाइपोल कहते हैं, और इन पोल्स को हम अलग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास जो हॉर्सू मैग्नेट होता है, यहां पे भी कोई एक नॉर्थ होगा और दूसरा क्या होगा, साउथ होगा, ये भी डाइपोल है। इसी तरह से अगर जो करंट सर्कुलर करंट है, अगर ये मैग्नेट का काम कर रहा है, इसका मतलब कि जो सर्कुलर करंट है उसके पास भी ये दोनों पोल होने चाहिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब कैसे हम डिसाइड करेंगे कि जो ये हमें सर्कुलर करंट का ये जो फ्रंट हमें दिख रहा है, जो हमारी तरफ है, इसमें करंट हमने मान लिया कि ऐसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, और दूसरे वाले में हमने कह दिया एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो देयर आर टू सिचुएशंस, एक में क्लॉकवाइज है, दूसरे में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमें पता कैसे करना है, हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे, एस बनाएंगे, एस। अगर एस आप बनाते हो तो एस का जो ये स्ट्रेच करोगे तो वो करंट की डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये वाला जो फ्रंट है सामने से जो देख रहे हो ये साउथ पोल है, एस मतलब साउथ पोल, और इसके अपोजिट उस साइड से जो आदमी देख रहा होगा वो उसके लिए नॉर्थ पोल हो जाएगा, है ना, उस साइड से जो देखिएगा। यहां पे देखिए, यहां पे एस अगर बनाते हैं तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा इसके डायरेक्शन को, मतलब एस नहीं बनाना है। क्या ट्राई करना है, एन ट्राई करना है। इसका मतलब जब एन बनाएंगे हम तो ये सपोर्ट करेगा, इसका मतलब अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या बिहेव करेगा, ये वाला जो फ्रंट है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा मैग्नेट का, और उसके अपोजिट साइड वाला क्या करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसे हम लोग एस और एन स्केच करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कौन सा मैग्नेटिक पोल होगा, साउथ होगा या फिर नॉर्थ होगा। तो हम लोग यहाँ पे बस देखेंगे कि मैग्नेटिक जो फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट या सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं, हर जगह, बाकी जगह हम लोग बात नहीं करते हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला डिराइव किया जाता है या स्टडी किया जाता है एट द सेंटर पे, कि सेंटर के अराउंड में हमें मैग्नेटिक फील्ड काफी ठीक है एक सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन मिलती है। फॉर्मूला जो आपको हेल्प करने वाला है, जो आपको बिल्कुल नहीं याद रखना है फॉर्मूले को, म्यू बाई म्यू नॉट बाई टू और आई बाई आर होता है, और यहाँ एन होता है नंबर ऑफ टर्न। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक और हम बार वायर खींच दिए होते हैं ना, एक और टर्न हो गया होता, तो यहाँ पे बाइंडिंग कई बार कर सकते हैं, नंबर ऑफ बाइंडिंग बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही बार हो, ठीक है। तो जैसे लपेटते हैं तार, गुड्डी पे लपेटते नहीं वैसे, वैसे लपेटे तो एकदम लपेट के एकदम वो क्या कर लिए हम लोग, मज्जा जैसे बना लेते हैं हम लोग, है ना, तो वो हो गया, तो बहुत सारे टर्न हो गए उसमें, तो वहां नंबर ऑफ एन क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न को। तो तीन चीजें दिख रही हैं, पहला दिख रहा है कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, इसका मतलब कि आई अगर हम इंक्रीज करेंगे तो बी भी क्या होने वाला है, एट द सेंटर इंक्रीज होने वाला है। दूसरा क्या दिख रहा है
कि अगर नंबर ऑफ टर्न हम बढ़ाते हैं तब भी बी क्या होने वाला है, तब भी बी बढ़ने वाला, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, बी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न है। इसका मतलब वेन एवर वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न बी ऑल्सो गेट इंक्रीजेस। और तीसरा फैक्टर जो दिख रहा है एक्सप्रेशन से, आर मतलब रेडियस ऑफ क्वाइल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब बिगर क्वाइल लेंगे तो उसके सेंटर पे वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और छोटी क्वाइल लेंगे कम रेडियस की लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब वेन एवर वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर करेंट वी गेट डिक्रीजेस। तो दीज आर द थ्री फैक्टर्स विच कंट्रोल द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करेंट या सर्कुलर लूप।